नमस्ते आदा से सीकाल मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ़ लाइफ टैरो आज जो है अगेन सिंगल पाइल ही करेंगे टाइम इज़ नॉट परमिटिंग मी टू डू पिकअप पाइल्स तो गॉड विलिंग आई थिंक अगले दस पंद्रह दिन के बाद मैं पिकअप पाइल के लिए टाइम निकाल सकती हूँ फिलहाल जो है हम एक सिंगल पाइल रीडिंग सिंगल रीडिंग करेंगे जनरल कनेक्ट कलेक्टिव के लिए ये अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो ग्रेट अगर नहीं होता है तो प्लीज़ टू कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग रीडिंग में जाने से पहले आई जस्ट फेल्ट लाइक सेइंग थैंक यू फॉर एवरी वन जो मेरा काम सपोर्ट करते हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं इतने अच्छे मुझे कई लोग कमेंट्स देते हैं जहाँ पे आ, उनको लगता है कि मेरी रीडिंग जो है बहुत रीडिंग uh, का जो स्टाइल है वो आप लोगों को अच्छा लगता है यूनिक लगता है एंड मेरी कोशिश यही है कि मैं जो है बहुत uh, सच्चे और ऑथेंटिक वे से जो है आप लोगों के लिए रीडिंग करूं uh, अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो आई थिंक जो नेक्स्ट बैच है वो मैं फ़र्स्ट एंड ऑफ मे या फर्स्ट वीक ऑफ जून में मैं स्टार्ट करूँगी हिंदी और इंग्लिश में जो है हमारे कोर्स होंगे अगर आ, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप मुझे जो है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा टैरो पढ़ने का जो स्टाइल है जहाँ पे हम एक स्टोरी लाइन क्रिएट करते हैं अगर वैसा आप इंटरेस्टेड हैं लर्न करने के लिए तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कांटेक्ट मी टैरो एक अमेजिंग टूल है अपने पर्सनल जीवन में अगर आप पढ़ सकते हैं ख़ुद के लिए फ़ैमिली फ्रेंड्स के लिए तो एक बहुत अमेजिंग टूल है जो हमको हमारे लाइफ में आने वाले रोड ब्लॉक्स के बारे में बता सकता है और उसको ओवरकम कैसे करना है वो भी बता सकता है लेट्स लेट्स गेट द रीडिंग डू एन एनर्जी चेक इन ऑफ योर रिलेशनशिप आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है राइट right नाउ आपके पार्टनर जो हैं रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं और आप रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं है ना आके एंजल माइकल माय गार्ड एंजल्स एंड द यूनिवर्स होली स्पिरिट एंड द डिवाइन प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस विच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर माय व्यूअर्स लेट्स डू एन एनर्जी चेक इन वॉट इज हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप राइट रेडिंग में जाने से पहले जो हम एट्रीब्यूट्स हैं आपके और आपके पार्टनर के थोड़े से एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हम फाइंड uh, आउट करने की कोशिश करेंगे साइंस जो है मैं रीडिंग में इतना मगन हो जाती हूँ कि साइंस के बारे में मैं बता नहीं पाती लेकिन आप जो है खुद साइंस देखें कार्ड्स में आपको बताती हूँ तो उसमें जो है आप समझ जाएंगे ठीक है वेरी क्विकली एट्रीब्यूट्स जो हैं आप या आपके पार्टनर में जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे ओके okay. अगर ये आपके साथ मैच होता है तो वेल एंड गुड और राइट आई थिंक आई हैव इनफ वेरी क्विकली वी विल गो थ्रू दैम जिनके बारे में आप पूछ पूछें ये इंसान जो है उनकी आँखें जो हैं काफ़ी शिफ्टी हो सकती है मैंने आ, बहुत इंक्विजिटिव हो सकते हैं आँखें जो उनकी हाँ वहाँ हर वक्त जो है कभी यहाँ देख रहे हैं कभी वहाँ देख रहे हैं इनकी जो है शिफ्टी आइज़ हो सकती हैं जनवरी का महीना जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आप या आपके पार्टनर का साइन कैप्रिकॉन हो सकता है ट हो सकता है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है काफ़ी सीक्रेटिव हो सकते हैं दिल की बात जो है बहुत ओपनली नहीं बताते होंगे इंट्रोवर्ट नेचर के हैं आ... पब्लिक में जाना या लोगों से खुद होकर बात करना ऐसा उनका नेचर नहीं है थोड़े से स्ट्रिक्ट हो सकते हैं डिसिप्लिनरियन हो सकते हैं साइंटिस्ट या रिसर्च में हो सकते हैं टीचर हो सकते हैं कंप्यूटर्स में हो सकते हैं अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है बैंक में काम कर सकते हैं इंजीनियर हो सकते हैं आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं फेबरवरी का महीना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है लव्स दी आउटडोर बाहर जाना वॉक्स जाना सैर करना बाहर जाना ये इंसान को या आपको अच्छा लगता है जून का महीना जो है इम्पोर्टेंट होगा लव्स टू ट्रैवल है टैरो है यहाँ पे तो टैरो में रुचि रखते हैं आपके पार्टनर फॉर श्योर म्यूज़िक में इनकी बहुत रुचि है लव्स कलेक्टिंग स्पेसिफ़िक आइटम्स ऐसे इंसान हैं जिनको जो है चीज़ें कलेक्ट करना अच्छा लगता है कुछ भी हो सकता है पेन्स हैं स्टैम्प्स है क्वाइंस हैं यू नो छोटी फिगरें हो सकती हैं सी डीज़ कसेट्स कुछ ना कुछ जूते पर्स ज्वेलरी कुछ चीज़ें जो हैं इनको एक टाइप की स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट करने को अच्छा लगता है लीब्रा हो सकते हैं स्पाइसी हो सकते हैं लियो हो सकते हैं दिसंबर मंथ आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है ओ लॉट्स ऑफ मंथ्स टुडे जुलाई इम्पॉटेंट हो सकता है <laughs> नवंबर इम्पॉटेंट हो सकता है मार्च इंपॉर्टेंट हो सकता है समवन हु हैज़ वेरी लॉन्ग हेयर नेचर में शायद हो सकते तो डेफिनेटली जो है शाय इंट्रोवर्ट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन uh, उम्र में बड़े ऐसे हो सकते हैं नंबर फोर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है सप्टेम्बर इज़ इम्पॉर्टेंट खाना पकाना जो है इन लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है या रुचि है एंड um, इनके जो बाल हैं घुराले हो सकते हैं कर्लीयर है हो सकते हैं और राइट तो आई होप ये जो साइंस हैं आप लोगों में रेजोनेट हो ठीक है लेट्स वेरी क्विकली सी आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है आपको ये रिलेशनशिप में क्या फील होता है किस स्टेज पे जो है आप ये रिलेशनशिप में आपके पार्टनर जो हैं इस रिलेशनशिप में उनको क्या लगता है करंट एनर्जी क्या है किस स्टेज पे हैं आपके पार्टनर राइट नाउ एंड आप लोगों की कनेक्टिंग एनर्जी जो है रिलेशनशिप की क्या है ओके okay. Uh, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ ईगो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं दिस रिलेशनशिप कुड बी स्टक इन ईगो दैट इज़ कीपिंग यू अन अनअवेयर ऑफ हु यू रियली आर ठीक है एंड द सोल जो है वो अपने जो अप, अपनी जो रूह है ये रिलेशनशिप में जो है ईगो का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है और अपनी जो सच्चाई है एक दूसरे के लिए जो आप सच्ची में फील करते हैं वो अपने ईगो के कारण जो है आप एक दूसरे को ओपनली नहीं बता पा रहे हैं आपकी एनर्जी जो है यहाँ पे प्रेगमा प्रैग्मा लव है एंडॉयरिंग लव प्रेगमा लव इज़ इज अ लव दैट इज़ म्यूचुअल एंड डिवेलप्ड मेड टू सर्वाइव ऑल द चेंजेस एंड एज एडवर्सिटीज़ रेजिंग अबाउट द चैलेंजेस तो आपका जो प्यार है वो ऐसा प्यार है जहाँ पे आप जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने जो है ये रिलेशनशिप गिव अप नहीं किया है आपने जो है धीरे धीरे ये लव को इन अ वेरी प्रगमेटिक वे जो है आपने ये लव को डेवलप किया है और जो भी बदलाव जो भी चैलेंजेस जो भी रुकावटें जो भी प्रॉब्लम्स ये रिलेशनशिप में आई हैं आपने जो है उनको इंड्योर किया है आपने वो चैलेंजेस को ओवरकम किया है And you have continued to be in the relationship. Right timing, both of your souls have evolved and have awakened to this connection that could. लास्ट अ लाइफ टाइम यो हार्ड वर्क इज़ नाउ बींग रिवॉर्डेड आई थिंक आपके पार्टनर के लिए भी जो ये रिलेशनशिप है ना ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी स्टेजेस जो हैं वो खत्म हो गए होंगे मेच्योर लव मुझे यहाँ दिख रहा है जो बहुत सालों से इकट्ठा है आपके इंसान को लगता है कि अब मे बी फाइनल फाइनली राइट टाइम है कि ये रिलेशनशिप में वो कमिटमेंट दें या ये रिलेशनशिप में जो है वो जो सही हैं वो करें Uh, आपके पार्टनर स्टार्ट में ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता था या ऐसी uh, एनर्जी थी जहाँ पे उनको लगता था कि मे बी मैं ये रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे पा रहा हूँ काम के कारण वॉट एवर योर फैक्टर्ज हाँ हर इंसान के लिए उनकी स्टोरी लाइन अलग होगी लेकिन एज टाइम हैज़ गॉन ये इंसान को अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि जी हाँ राइट नाउ अब टाइम सही है कि क्यों you नो know, मैंने मेरे सारे कर्तव्य पूरे कर दिए हैं जॉब लग गया है पढ़ाई हो गई है वॉट एवर वॉट एवर एज यू आर इन योर लाइफ आपके इंसान को अब लगता है कि ये रिलेशनशिप का जो टाइम है सही है लेकिन कहीं ना कहीं uh, ईगो के कारण कि यस yes, मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ यस yes, मैं ये रिलेशनशिप में आगे जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग uh, ईगो के कारण हो सकता है ऑल राइट लेट्स सी जो है लव मैसेजेस से आपके रिलेशनशिप की एनर्जी uh, क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपकी करंट फीलिंग क्या है एंड कनेक्टिंग एनर्जी ओके कनेक्टिंग एनर्जी में जो है रिफ्लेक्शन है गिफ़ इच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट तो अगर आप लोगों के बीच में थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम हो रहा है या आपको लगता है कि एक दूसरे से जो है आप लोग um, यू नो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं आप एक चीज़ बताते हैं लेकिन आपके पार्टनर मिसअंडरस्टैंड करते हैं तो दिस इज़ टाइम फॉर रिफ्लेक्शन और आई थिंक कि जितना आप जो है आपके पार्टनर को टाइम देंगे उतना आपके पार्टनर को जो है रियलाइज़ होगा कि जी हाँ आप जो हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके पार्टनर की एनर्जी जो है पावर की है यू इंस्टिंगटिवली नो वॉट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो ऑ टू वॉक अवे एट एनी टाइम तो आई थिंक आपके पार्टनर जो है कहीं कही ना कहीं आपको टेस्ट कर रहे हैं आपको परख रहे हैं उनको एक ऐसा इंसान उनके लाइफ में चाहिए है जो उनके लिए एक परफेक्ट फिट हो उनके लिए एक बेस्ट फिट हो और अपना पावर जो है ये इंसान अपने मुट्ठी में रखते हैं ये इंसान ने हमेशा आपको ये एहसास दिलाया होगा कि अगर ये रिलेशनशिप नहीं होगा तो भी चलेगा ये इंसान खुद में बहुत कॉन्फिडेंट है और राइट right नाउ जो है इनकी एनर्जी यही है कि ये सिर्फ देखना चाहते हैं या अंडरस्टैंड करना चाहते हैं या महसूस करना चाहते हैं बाय टेस्टिंग यू एंड आल्सो गिविंग देम टाइम कि uh, आप जो हैं उनके लिए सही हैं या नहीं हैं आपकी एनर्जी क्या है क्लोज़ योर आइज़ एंड टेल योर दैट यू डिज़र्व टू फील जॉयफुल यू कैन यू कैन अलाउ जॉय इन योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसिस यू करेंटली फाइंड योर सेल्फ इन सेल्फ लव का कार्ड है यहाँ पर डिवाइन आपको कहता है कि राइट right नाउ आपकी आँखें आप मूँदें बंद करें और ख़ुद को बताएँ कि आपके प्यार को लेकर जो कुछ भी हो रहा है इ रिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप जो हैं खुश हैं और जो इंसान आपके लाइफ में है जो आपका सच्चा प्यार है अगर वह इंसान आपके लाइफ में है या नहीं है इ ऑफ़ दैट जो भी आपका सर्कमस्टेंसेज है राइट नाउ यू डिज़र्व लव और आप जो है राइट right नाउ खुश हैं इससे क्या होगा एक तो सेल्फ़ लव होगा जितना आप खुद को सेल्फ लव देंगे उतनी आप हायर एनर्जी पे वाइब्रेट होंगे तो मेरे जो व्यूअर्स हैं आपने बहुत कष्ट झेले हैं ये रिलेशनशिप को मेनटेन करने के लिए है ना और अब डिवाइन आपको कहता है कि आपके इंसान आपको प्यार करते हैं उनको लगता है ये राइट है लेकिन फॉर सम ऑफ यूल ऐसा एक मोड होगा जहाँ पे वो आपको टेस्ट कर रहे हैं ये इंसान को आप फ्री छोड़ दें कहते हैं ना कि इफ़ यू लव समबड़ी सेट देम फ्री अगर वो आपके पास वापस आते हैं तो आने दो और जब ये इंसान आपके पास वापस आएंगे तो बहुत हेल्दी बाउंड्रीज़ जो हैं आपको सेट करनी है कि ये रिलेशनशिप में मुझे ऐसा 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 चाहिए है ये जो है सही है और फिर हम जो है ऐसा ही करेंगे सो पॉजिटिव कार्ड्स हैं लेकिन आप लोगों के लिए जो है ये एक बहुत स्पिरिचुअल जर्नी है जहां पे आपको कोई लाइफ लेसन लर्न करने हैं और राइट से देखते हैं आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए क्या फील करते हैं व्हाट इज योर पार्टनर फील फॉर यू ओके okay. आपके लिए मुझे अलग टेक यूज़ करना है ओके okay. आप जो है आपके पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं ओके कनेक्टिंग एनर्जी जो है यहाँ पे एट ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है तो इमोशनली जो है आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी फील करते हैं आपके पार्टनर जो है राइट नाउ एक ऐसे मोड पे हैं जहाँ पे वो एक अपने जैसे बोलते हैं ना मैन uh, केव या वुमन के में चले गए हैं आपको लेके सब कुछ uh, आपके बारे में सोचते हैं तो डेफिनेटली सब कुछ है उनके पास है ना इन टर्म्स ऑफ आपने ये प्यार पे गिव अप नहीं किया है आपने उन पर सपोर्टिव किया है लेकिन कुछ ना कुछ इनके लाइफ में ऐसा है जिनके कारण आपकी तरफ आने के लिए जो है उनको काफ़ी प्लानिंग और काफ़ी सोचने की जरूरत है Uh, आपकी एनर्जी जो है यहाँ पे फोर ऑफ़ कप्स की एनर्जी है यू आर फीलिंग स्टक आपके पास और ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास और चॉइसज हो सकते हैं लेकिन घूम फिर के जो है आप इसी इंसान की तरफ आ रहे हैं ऑल राइट right. uh, आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी क्या है दिस पर्सन इज़ वेरी 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 अट्रैक्टेड टू यू ये जो है एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे वो आपके साथ uh, बहुत पैशनेट लव जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इंटेलेक्चुअल हो सकता है फिजिकल हो सकता है इमोशनल हो सकता है एक नया स्टार्ट जो है ये इंसान आपके लिए चाहते हैं जस्ट गिव मी से अनन्या बड़ा ना सीना भाई बाकी जस्ट गो एंड सी ओके आई एम सॉरी मेरी जो डॉग है वो बीमार है और चिल्ला रही है तो आई डोंट नो क्यू ठीक है जस्ट टेल दिलीप ना प्लीज ऑल राइट आपके जो पार्टनर है आई एम सॉरी अबाउट दैट आपके जो पार्टनर है वो Uh, एक बहुत पैशनेट uh, स्टार्ट जो हैं आपके साथ चाहते हैं चाहते हैं कि द डोर सॉरी सॉरी अबाउट दैट आई एम आपके पार्टनर जो हैं यू नो दिस इज द फैलिक कार्ड फिजिकली पैशनेटली आपकी तरफ बहुत बहुत अट्रैक्टेड है चाहते हैं एक You know, एक नई शुरुआत जो है आपके साथ हो एज़ फार एज़ योर फिजिकल रिलेशनशिप goes लेकिन आपको लेके जो है ये इंसान काफ़ी बर्डनड है है ना काम में बहुत मसरूफ़ हो सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में ये इंसान काफ़ी काफ़ी मसरूफ़ हो सकते हैं ये इंसान की करंट एनर्जी क्या है इवन दो ये इंसान आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है आपके साथ एक नई बिगनिंग चाहते हैं ये इंसान जो है आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं अपनी अटेंशन आप मैसेज करते हैं तो मैसेज पढ़ते हैं लेकिन मैसेज नहीं बताते आंसर uh, नहीं करते हैं एक्सप्रेस uh, नहीं करते हैं इन्होंने जो है थोड़ा सा चुप हो गए हैं एंड देन बिकॉज यू हैव द एट ऑफ कप्स वाली एनर्जी तो इवन दो दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप में अगर उनको आगे जाना है ये रिलेशनशिप में फोकस करना है अटेंशन देना है तो ये बहुत बोझ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी इसीलिए जो है ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे हैं और एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ऐसे इंसान है जो काफ़ी मशहूर हो सकते हैं काफ़ी लोगों का अटेंशन उनको मिलना बहुत अच्छा लगता है और अपने फाइनेंसिस पे जो है और अपनी स्टेबिलिटी पे जो है फोकस कर रहे हैं लेकिन उनकी जो करंट फीलिंग्स आपके लिए यही है कि दिस पर्सन इज़ होल्डिंग बैक सो मच ऑफ पैशन फॉर यू हम जो है ब्लॉग्स में देखेंगे ऐसा क्यों है आपकी एनर्जी जो है राइट नाव एट ऑफ कप्स की एनर्जी है सेम जो आपके पार्टनर की एनर्जी है यू आर ऑल्सो थिंकिंग कि मैं अभी रिलेशनशिप में क्या करूँ यू नो जितना आप कर, कर सकते थे आपने किया इवन uh, देन आपको लगता है कि ये इंसान जो है या ये रिलेशनशिप जो है आपके लिए सिर्फ एक फैंटेसी है uh, ये उम्मीद जो आप यू नो उम्मीद में आप जी रहे हैं या जी रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा मैं गिव अप नहीं करूँगी या करूंगा और जो है ये रिलेशनशिप आगे जाएगा और कहीं ना कहीं जो है आप में वो बदलाव आ रहा है यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन लेट्स क्लैरिफाई द डेथ इज क्लैरिफाइड बाय डेथ ऑल राइट Uh, ये जो स्टक एनर्जी है ना ये स्टक एनर्जी से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं विच इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी साइन अगर अब तक आपने नहीं किया है तो आप ये आगे जाके करेंगे ये रिलेशनशिप के लिए अभी आप अब तक अगर आप ये एनर्जी में नहीं आए हैं तो बहुत जल्द आप ये एनर्जी में आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा यार बहुत हो गया मैं और ये इंसान के लिए वेट नहीं करूँगी ये इंसान के लिए जो है मैं मेरी खुशी ऑन होल्ड नहीं करूँगी आई एम समवन हु इज़ वेरी पैशनेट आई एम समवन हु इज़ एन ऑन्ट्रप्रेनर आई एम समन हु इज़ ब्यूटिफुल अट्रैक्टिव और मैं जो है अपने खुशी पर फोकस करने वाली हूँ अपने हेल्थ uh, पे फोकस करने वाली हूँ अपने बिजनेस पे फोकस करने वाली हूँ अपने करियर पे फोकस करने वाली हूँ तो आपका जो अटेंशन है ये uh, इंसान से जो है शिफ्ट होके खुद पे जा रहा है करेक्ट एंड टुडे इज़ द ट्रिपल फाइव 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 का पोर्टल है uh, अगले फाइव मंथ्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो आप जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे वो चीज़ जो है अपने आप खुद पे ओपन होंगी और यहाँ पे मुझे जो थीम यही लग रहा है कि आपको जो है खुद को ही इम्पोर्टेंट रखना है जिस ढंग से अपने आपके जो पार्टनर हैं वो खुद को इम्पॉर्टेंट रखते हैं खुद को फोकस में रखते हैं वैसे ही आपको करना है खुद को इम्पोर्टेंट रखना है जब आप अपना वैल्यू बढ़ाओगे और आप बोलोगे कि भाई मैं कीमती हूँ नॉट मनी वाइज बट मुझे अगर किसी का प्यार चाहिए है तो कम से कम इतना ये इंसान को करना है एंड यू आर कमिंग इन टू दैट एनर्जी है ना यू आप ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं ये फैंटसी से निकल के जो है ये स्टक एनर्जी से जो है निकल के यू आर गोइंग टू वर्ड्स योर हैप्पीनेस यू आर गोइंग टू वर्ड्स योर फ्रीडम जो ये प्यार आपको बांध के रखा था उससे जो है आप निकल के खुद पर फोकस कर रहे हैं विच इज़ वेरी वेरी गुड एनर्जी ठीक है लेट्स फाइंड आउट ब्लॉक्स क्या है ये रिलेशनशिप में जो है आपके पार्टनर को ये रिलेशनशिप में बोझ क्यों लग रहा है आपकी तरफ जो है आने के लिए वाई इज दिस पर्सन फीलिंग द बर्डन ब्लॉक्स हम देखेंगे है ना वन नीक टू आ गया अगस्त का महीना जो है आप लोगों के इम्पोर्टेंट हो सकता है ब्लॉक्स में क्या आया है मैरिज या तो आप कमिटमेंट चाहते हैं और ये इंसान कमिटमेंट नहीं दे सकते या ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है ये इंसान जो है किसी चीज़ के बारे में डिप्रेस्ड है किसी चीज़ के बारे में एंजाइटी है और इनको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं इनके अगेंस्ट हो जाएंगे आ... Deep फ्रेंडशिप with someone ऑफ द सेम ठीक है uh, ये उन लोगों के साथ भी रेजोनेट हो सकता है जो सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो सकते हैं एंड विच इज़ अ ब्लॉक ये इंसान जो है आपसे प्यार करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ सोशल नॉर्म्स अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन ब्लॉक्स में ये भी हो सकता है कि राइट right नाउ जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो बीमार हो सकते हैं या उनके घर में जो है लोग बीमार हो सकते हैं uh, उसके कारण जो है ये इंसान आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं एंड उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ये रिलेशनशिप उनकी लाइफ में जो है जैसे हम बोलते हैं कि थोड़ा सा बैड लक है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मोमेंट जो है चल रहा है जिसके कारण वो ये रिलेशनशिप में टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं ऑल right. ये इंसान जो है इनके आपको लेके इरादे क्या हैं वट आर दिस पर्सन्स इंटेंशन टूवर्ड्स यू सो ब्यूटिफुल ओके इंसान के आपकी तरफ इरादे क्या हैंट ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार ये इंसान जो है आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं ये प्यार के लिए बहुत एफर्ट्स डालना चाहते हैं काम यू नो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू वर्क टूवर्ड्स बिल्डिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग लविंगप्पी रिलेशनशिप विद यू एंड आप जो हैं ये इंसान की विश फुलफ़िल्मेंट है है ना रात को आपके बारे में सोचते होंगे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं अगर आप लोगों में रिकन्सिलिएशन नहीं है प्यार जो है आपसे बहुत करते हैं उम्मीद रखे हुए हैं कि जी हाँ uh, इरादों में है ना कि अगर मैंने ये रिलेशनशिप में प्यार और एफ़र्ट डाला तो चीज़ें जो हैं डेफिनेटली सही होंगी लेकिन हमने ब्लॉक्स में जो है ऑलरेडी देख लिया है कि क्या कारण हो सकता है जिसके कारण ये इंसान ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हील दिस रिलेशनशिप ये सिचुएशन जो है इसको ये इंसान हील करना चाहते हैं एस ऑफ कप्स की एनर्जी है और एस ऑफ वांट्स की एनर्जी है तो बेफिक्र रहिए जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं दिस पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट्स अ न्यू बिगनिंग विद यू और बहुत सारा प्यार है ये इंसान का आपके लिए आपके साथ एजोनेट होता है और अगर आप एडवाइस चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग नेक्स्ट हफ्ते दस दिन में जो है ये इंसान आपके लिए क्या एक्शन लेंगे लेट्स सी व्हाट एक्शन दिस पर्सन विल टेक टूवर्ड्स ई यू ओके ब्यूटिफुल एनर्जी एक्वेरस हो सकते हैं टॉरस लिब्रा हो सकते हैं एंड एम्प्र है and Emperor. उई, ना तो ये इंसान जो है अगले दस दिन में हफ्ते भर में आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे uh, आपको कांटेक्ट करेंगे अगर अब तक आप से कांटेक्ट नहीं हुआ है तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे रिकनसिलियेशन चाहते हैं आपसे आपका डेफिनेटली कुछ ना कुछ कनेक्शन है यू नो सोल में ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है ये इंसान जो है आपके साथ बहुत खुश इनको लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आएंगे तो आपके साथ बहुत खुश रहेंगे और वो रिकनसिलियेशन वो टाइम वो एनर्जी जो है ये इंसान आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं और ये कैसे करेंगे उसके लिए जो है ये इंसान थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचेंगे कि ठीक है जो मैं अभी तक ये रिलेशनशिप को लेकर डर रहा था या डर रही थी उससे जो है मैं ओवरकम कैसे कर सकूँगा नेक्स्ट इसके बाद एक्शन क्या लेंगे आई डोंट नो लेकिन कम्युनिकेशन जो है आप लोगों में ज़रूर होगा ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ एक यूनियन चाहते हैं लेकिन ब्लॉक्स काफी यहां पे स्ट्रॉन्ग है और ब्लॉक्स के कारण ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं दिस इज द करंट एनर्जी लेट्स वेरी क्विकली सी ये इंसान के आपके लिए मैसेजेस क्या हैं आई फील डिस एंड हॉट एंड लव प्रमिसेज व नॉट केप्टि हैज लेट टू इमोशनल सेपरेशन तो आई थिंक आप दोनों में जो है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है uh, एक दूसरे से अगर वादे किए थे या कुछ चीज़ें बोली गई थी वो शायद पूरी नहीं हुई है उसके कारण ये इंसान अपसेट हैं आई फील लस्ट फॉर यू आई हैव पावर ओवर यू आई कंट्रोल यू विद my पैशन तो ये इंसान जो है आपसे फिज़िकली uh, बहुत बहुत, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे टू uh, अ पॉइंट जहाँ पर ये इंसान जो है दिन रात रात दिन आपके बारे में सोचते होंगे कैप्रे हो सकते हैं वर्क विद मी ऑन मेकिंग आ रिलेशनशिप स्ट्रोंगर आई क्रेव फॉर योर कोलाब्रेशन एंड कॉपरेशन ये इंसान चाहते हैं कि आप जो हैं वो जैसे हैं वैसे उनको एक्सेप्ट करें और जिस ढंग से वो चाहते हैं वैसे जो है ना आप उनके साथ कोलाबरेट करें और ये रिलेशनशिप पर वर्क करें यू मेक मी फील लाइक अ हीरो और हीरोइन एंड आई लव दैट आई एम कमिंग विक्टोरियस होम तो ये इंसान जो है जीत के आपकी तरफ आना चाहते हैं ये इंसान ऐसे हैं कि मे बी राइट नाउ आप इनसे रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें मांग रहे हैं जो ये फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं और उसके कारण इनको लगता है कि मैं uh, आपको जो चाहिए है मैं ये रिलेशनशिप में आपको नहीं दे पा रहा आई एम नॉट बींग एबल टू गिव वॉट यू वॉन्ट इन द रिलेशनशिप आई एम नॉट गुड इनफ़ तो ये इंसान जो है ऐसी तैयारी करना चाहते हैं कि uh, आपके पास जब आएंगे तो जो सही है जो आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप में ये आपको ज़रूर देंगे

गिव योर रिलेशनशिप अनदर चांस तो अगर आप सेपरेशन में हैं या सोच रहे हैं कि मैं और एफर्ट्स डालूं नहीं डालूं तो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि गिव योर रिलेशनशिप अनदर चांस मेक द एफर्ट एफर्ट जो है आपको डालना ही पड़ेगा दिस इज मे बी योर लाइफ लेसन आपके इंसान ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप उनको बार बार रीअश्योर करें या बार बार उनको बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं एफर्ट जो है आप लोगों को डालना पड़ेगा और आप डालेंगे एंड ट्रस्ट द प्रोसेस तो डिवाइन यही आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ यू डिजर्व लव यू आर लवेबल तो प्यार जो है आपको डेफिनेटली ये इंसान से जरूर मिलेगा समो मैसेजेस यू आर ऑलवेज इन माई थाट्स जैसे मैंने कहा ये इंसान जो है रात दिन दिन भर जो है आपके बारे में सोचते हैं We understand each other without words but sometimes it is better to speak up jaise जैसे मैंने कहा था ये इंसान इंट्रोवर्ट है hai strict स्ट्रिक्ट तो ये इंसान जो है इनको चाहिए है कि बातों से जो है आप एक दूसरे को आप जो hai अपना प्यार उनको bataye we are twin flames our divine union is meant to be आप दोनों जो हैं ट्विन फ्लेम्स हैं और आपका डिवाइन यूनियन होना ही होना है डोंट lie टू मी आई नो इफ यू डू थ्रू योर थ्रू आ डिवाइाइन बॉर्न तो अगर आपने इनसे कभी झूठ बोला है या मे भी गुस्से में बता दिया है कि मैं नहीं आपसे प्यार करता या करती या ऐसी कुछ चीज़ें हैं मे भी आपने कुछ और चीज़ें छुपाई हैं कि आप शादीशुदा हैं या आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो आपके इंसान को वो बिन बताए समझ में आ जाता है लास्ट मैसेज वी मस्ट टॉक कम्युनिकेट कम्युनिकेशन कैन फेड बट नॉट स्टॉप बिटवी है सो ये इंसान यही कहते हैं कि हम हम लोगों को जो है एक दूसरे से कम्युनिकेशन बंद नहीं करनी है आ, कम हो सकती है लेकिन कंप्लीटली बंद नहीं होनी चाहिए ऑल राइट सम मैसेजेस आई हैव बिन थिंकिंग अबाउट यूर लॉट ये रिपीटेडली आ रहा है यह इंसान जो है आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं वाई डिड यू लीव अगर आपने इंसान को छोड़ दिया है तो रिकन्सिलेशन होगा करंट एनर्जी में ये पूछ रहे हैं कि आपने क्यों सोचा आई फील देर इज टू मच कॉम्पिटिशन तो ये इंसान को लगता है कि आपको पाने के लिए काफ़ी कॉम्पिटिशन है या काफ़ी ऑब्सटिकल्स भी हो सकते हैं आई थिंक यू आर अमेजिंग लास्ट कार्ड आई एम नॉट रेडी ये इंसान में बी राइट ना कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है और राइट सम मैसेजेस योर सेक्शुअल एनर्जी इज कीपिंग मी अपट नाइट आई वॉन्ट टू फील यू क्लोज टू मी यू आर ऑल आई कैन थिंक अबाउट यू आर द ओनली वन दैट आई हंग ओ फॉर जैसे मैंने कहा आप लोगों का दिस पर्सन इज़ फिजिकली वेरी अट्रैक्टिव टू यू सो इफ़ यू आर ऑलरेडी एक फिजिकल रिलेशनशिप में है तो ये इंसान बहुत उसको मिस करते हैं नहीं तो जो है चाहते हैं कि आप लोग जो है एक फिजिकल यून में आए आई आई कीप रिप्लेइंग आर कॉन्वर्सेशंस इन माई हैड ओवर एंड ओवर अगैन आप लोगों की बातें जो हैं बार बार ये अपने दिमाग में चलाते रहते हैं आई एम रियली मिसिंग आर कॉन्वर्सेशं आई कुड ऑलवेज़ टेल्यू एनी थिंग तो ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है आपकी बातें भी बहुत मिस कर रहा है यू आर माई हैविन ऑन अर्थ एंड डिवाइन टाइमिंग एवरी थिंग इज़ अनफोल्डिंग एज इट शूड वी विल बी टूगैदर अगेन वेन द टाइम इज़ राइट तो आई थिंक ये इंसान के लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो प्रॉब्लम्स के कारण जो है ये इंसान आपकी तरफ आने में थोड़ा सहजकिचा रहे हैं लेकिन आई थिंक सोना दैन लेटर जो है ये प्रॉब्लम्स आप लोग ओवरकम करेंगे एंड यू विल कम इन टू यूनियन लास्ट जो है हम फॉर्चून टेलिंग कार्ड से देखते हैं आपके लिए मैसेजेस रीयूनियन हाउ लवली आप लोगों का रीयूनियन जो है वो डेफिनेटली होगा एंड वन लास्ट कार्ड आपके लिए एडवाइस ये रिलेशनशिप में आप लोगों को सक्सेसफुल होने के लिए क्या ऐसी चीज है जो आपको सरेंडर करनी है छोड़ देनी है ताकि ये रिलेशनशिप आपके लिए सक्सेसफुल uh, हो सरेंडर टू स्पिरिट

आपने जो है अब तक सब कर दिया आपके गोल को अचीव करने के लिए अब जो ये सिचुएशन है उसको आप भगवान के हाथ कर दें और इतना विश्वास रखें कि आप जो स्पिरिट है वो अपना मैजिक आपके लिए ज़रूर uh, करेगी एंड वॉट यू वॉन्ट इज़ वॉट यू विल गेट इफ यू डिड लाइक दिस प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एज ऑलवेज़ प्लीज डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशन हाई वॉट यू फोकस ऑन इज़ वॉट यू गेट स्टे सेफ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट रीडिंग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग